आपका विजन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना है, तैयार करना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर, मैं सन्मित्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूं, और हम हमारे जो बॉरोअर्स है जिन्होंने लोन लिया उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट करते हैं उनके बिजनेस में, और उसका एक पार्ट मैं आपके सामने आज दे रहा हूं, एक विजन मिशन स्टेटमेंट का। इसके पहले मैंने 5 सवाल कौन से होंगे इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, वहां से हम विजन स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। फिर दूसरा मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैजिक ऑफ व्हाई, क्यों का जादू, 5 सवाल पूछो, 5 बार व्हाई 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 पूछो, वहां से आपका विजन स्टेटमेंट तैयार हो सकता है। और तीसरा तरीका भी बता रहा हूं, वो है ये सवाल, कि ये सवाल यदि आप पूछते हैं तो आपका विजन स्टेटमेंट ड्राफ्ट हो सकता है। उसके लिए पीछे जो 2 वीडियोज है वो भी आप देख सकते हैं। तो फिर इसमें पहला सवाल है कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करने का सोच रहे हैं, आप कौन से बिजनेस से जुड़ना चाहते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप किस पर ध्यान केंद्रित करना सोच रहे हो, आप कौन से बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, तो वो लिखो। फिर दूसरा लिखो कि आपके ग्राहक कौन होंगे, हु विल बी योर कस्टमर्स, आपके ग्राहक कौन होंगे वो लिखो। अपने संभवित ग्राहकों को आप कौन से लाभ देने का सोच रहे हैं, या कौन से प्रॉब्लम्स ग्राहकों के आप छुड़वाएंगे, कौन से प्रॉब्लम्स की समस्या जो आप ग्राहकों के वो समस्या का समाधान करेंगे, ये तीसरा प्रश्न। चौथा है कि आप अपने ग्राहकों के साथ कैसे जुड़ना चाहोगे, किस तरह जुड़ना चाहोगे, कैसे जुड़ना चाहोगे, है ना, वो है चौथा सवाल। पांचवा है कि आपका प्रोडक्ट या सेवा क्या होगा। तो ये 5 सवाल, तो यदि आप 5 सवाल इसके जवाब आप देते हो तो आपका विजन स्टेटमेंट ड्राफ्ट हो सकता है। तो ये हो गया विजन। तो फिर मिशन क्या है, तो मिशन का ऐसा है, मेरे सामने कुछ मैंने तैयार किया हुआ है वो आपको बताता हूं, ताकि मैं शब्द इधर उधर नहीं करूंगा, और इसलिए मुझे वो बराबर वही पढ़ने का है। वो है मिशन ड्राफ्ट करना है तो कि आपका मिशन आपकी दृष्टि का दैनिक स्तर पर किया गया विस्तार है, मतलब डेली आपके विजन के लिए आप दैनिक स्तर पर, रोज के स्तर पर आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहोगे रोज। मिशन स्पष्ट रूप से बताता है कि आप अपने विजन को वास्तविक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब मिशन इज अबाउट डूइंग, करना क्या है और हम रोज क्या करेंगे। मिशन तय करने के लिए हमें निम्न बातों का स्पष्टीकरण पाना पड़ेगा, कौन सी बातें हैं, किस तरह के बिजनेस में आप हैं, क्या आप अपने बिजनेस को सही तरह समझ रहे हैं और उसको अच्छी तरह से व्याख्यायित कर पा रहे हैं। दूसरा है, क्या आप अपने ग्राहकों को जानते हैं। तीसरा है, आप अपनी ऑफर के माध्यम से कौन सी मानवीय जरूरतों को संतुष्ट करने का सोच रहे हैं, कौन सी जरूरतें, कौन से प्रॉब्लम्स ग्राहकों की संतुष्ट आप करेंगे। फिर है मिशन में लंबे समय की व्यूहरचना और इच्छित परिणाम जैसे तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। और नेक्स्ट है मिशन स्टेटमेंट संक्षिप्त, स्पष्ट और उत्साहजनक होना चाहिए। अब जैसा उबेर का मिशन स्टेटमेंट है, उबेर कंपनी का, कि मेक ट्रांसपोर्टेशन एज रिलायबल एज रनिंग वाटर एवरीवेयर फॉर एवरीवन, ये उनका मिशन है। ये स्टारबक्स का है, टू इंस्पायर एंड नर्चर द ह्यूमन स्पिरिट, 1 person 1 cup एंड 1 neighborhood एट ए टाइम। तो ऐसे लोगों के मिशन बनाए हुए हैं कि भाई वो एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, उसके लिए कौन सी व्यूहरचना है। मिशन मतलब क्या है, व्यूहरचना, जैसा युद्ध पे जाते हैं तो कैसी व्यूहरचना रहती है, वो है, तो वो इसके बारे में है मिशन। तो विजन और मिशन से आपको क्लियर होगा कि आपके कंपनी को आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, और विजन मतलब ये दुनिया कैसी दिखेंगी, आप काम करोगे तो आप किस तरह की दुनिया देखना चाहोगे, ये दुनिया कैसी होगी, उसके बारे में विजन है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।